Let's cut the deck. Neutral energies between both of you stress. Current energies of your person is friendliness. Intention of your person is playfulness. Future action of your person is experiencing your energy. Beyond illusion and future of the soul connection is receptivity. Bottom of the deck is intensity. Okay. जोरियाक साइन बता देती हूँ जोरियाक साइन इज एडीज लियो सैजिटेरियस स्पाइसी कैंसर स्कॉर्पियो या बाकी आपका पर्सन जिस भी जोरियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो ओके ओके आई हैव टू क्लैरिफाई रिसेप्टिविटी प्लीज क्लैरिफाई मी द रिसेप्टिविटी प्लीज लाइक What is receptivity? ठीक है ओके फाइन रिलेशनशिप का जो है रिलेशनशिप या जो ये कनेक्शन है वो बेटर हो रहा है ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं आपको आ, दो से दस दिन के अंदर अंदर ओके okay. यहाँ पे ओके okay, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है वैसे जमुना है कि आपका पर्सन बहुत मजाक मस्ती करने वाला पर्सन है बहुत मजाक मस्ती करते हैं बिल्कुल लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं जैसी लाइफ है वैसी चल रही है इंजॉय कर रहे हैं फन कर रहे हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप इस पर्सन को बदल रहे हो यू आर लाइक मेरा माई पर्सन आप कभी सीरियस क्यों नहीं होते हो आप ये नहीं करते हो आप वो नहीं करते हो आप ऐसा नहीं करते हो वैसा नहीं करते हो प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह आ रही है जमिना यू आर ट्राइंग टू चेंज दिस पर्सन ये बहुत मजाक मस्ती करने वाला पर्सन है बिल्कुल एक फ्री बर्ड जिसे कहते एकदम फ्री बर्ड है एकदम इन्हें ऐसा है कि भाई ये अपनी लाइफ में मस्त है मगन है इन्हें कोई परवाह नहीं है कल क्या होगा ये आज में जीते हैं और आपको इनका ये जो एटीट्यूड है वो पसंद नहीं आ रहा जिस वजह से प्रॉब्लम्स होने जिस वजह से इश्यूज क्रिएट हुई जिस वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू कोई वो नहीं दिख रहा है कि कमिटमेंट की प्रॉब्लम है नो ये कमिटेड है आपके टूवर्स ये रिलेशनशिप में और ये बहुत आपको पसंद करते हैं बहुत बहुत प्यार करते हैं बाय मैटर ऑफ फैक्ट बट आपको इनका जो कोर नेचर है वो नहीं पसंद आ रहा है सो म्यूचुअल एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू आप परेशान हो गए हो जमुना है आपको लग रहा है यार ये पर्सन कभी सीरियस ही नहीं हो सकता मेरे लिए कभी मुझे टाइम नहीं देता कभी मेरे लिए कुछ करता नहीं है मैं जैसा रिलेशनशिप या जैसा पर्सन मैं चाहती थी या चाहता था वैसा ये पर्सन बिल्कुल ही नहीं है मेरी नीड्स को इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पर्सन भी आपका पर्सन ये सोच रहा है कि सार्जिटेरियस सॉरी बार बार मैं सार्जिटेरियस क्यों बोल रहा हूँ यू आर स्ट्रॉगली डीलिंग विद्जिटेरियस आपका पर्सन ये सोच रहा है कि यार जमुना है इतना खड़ूस क्यों है कभी मेरी बात नहीं सुनता है, जमना है जमना हमेशा अपनी ही चलाता है हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है सो so आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रेस है काफी ज्यादा काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट चल रहे हैं म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा परेशान हो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज परेशान हो एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाउ द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन दे रियली लव यू ये बहुत प्यार करते हैं बहुत केयर करते हैं बहुत इमोशनल है आपके लिए मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आप इस पर्सन को ढालना चाहते हो वो नहीं ढल सकते आई कैन सी दैट आपकी बहुत ज्यादा है कि मेरा पर्सन जब भी आए तो आए तो गिफ्ट लेके आई एम जस्ट गिविंग एन मेरा पर्सन मेरे से 24 घंटे में से दो तीन घंटा मुझसे बात करे ये करे वो करे दिस दैट बट आपका पर्सन बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट है ये करते अपनी मन की है एंड ये बिल्कुल मस्त मौला किस्म के पर्सन दिख रहे हैं

इट्स जस्ट दैट इनका कोर नेचर ही वैसा नहीं मैं फॉर uh, एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मेरा जो पर्सन हो वो रोज मुझसे बात करे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये रोज बात करने वाले लोगों में से नहीं है सो so, आप पहले तो आपको ये पर्सन बहुत अच्छा लगा बिट फिर जब आप एक रिलेशनशिप में आए इस पर्सन के साथ जब इनकी एक्चुअल असलियत सामने आई जो इनका ट्रू नेचर समझ सामने आया आपको लग रहा है कि भाई ये मैं कहाँ फस गया हूँ मैं कहा फंस गई हूँ ये तो बिल्कुल ही अजीब पर्सन है लिटरली अजीब इज द इज द वर्ड कमिंग अप फॉर यू कि आप इस पर्सन को अजीब समझते हो बट करंट एनर्जी में ये आपके साथ अभी भी रिश्ता निभाना चाहते हैं एनर्जी इस वाइज सा वैसा कर लेना इस रीडिंग में इंटेंशंस फॉर यू इंटेंशन में चाहते हैं कि जेमिनाय आप मस्त रहो आप खुश रहो आप लोड मत लो आप टेंशन मत लो एंजॉय करो अपनी लाइफ को दे वांट कि भाई जैसे मस्त मैं मस्त और मगन हूं वैसे जेमिनाय मस्त मगन हो जाए इंटेंशन में बस चाहते कि आप खुश रहो आप टेंशन मत लो एंड रिलेशनशिप में हैप्पीनेस हैपी रहो नेगेटिविटी मत फैलाओ लड़ो मत झगड़ा मत करो दैट्स सेट इंटेंशंस फॉर यू आपके सामने जोकर बन जाते हैं आपको लिटरली मतलब हाँ, आप नाराज हो, होते हो तो ये ऐसा जोक क्रैक करते ऐसा कुछ बोलते हो तो आप हंसने लग जाते हैं <laughs> ये कॉमेडियन ये हो सकते हैं मजाक मस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद है So खुश रखना चाहते आप, आप, like हैं जमना है ये पर्सन तो ये चेंज क्यों नहीं होता तो ये नहीं चेंज होंगे एक जो कोर नेचर होता है कोई पच्चीस साल का कोई तीस साल का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ वो किसी दो तीन साल दो तीन महीने पहले आए हुए पर्सन के लिए चेंज नहीं होता प्लीज से वो दिस पर्सन चेंज और ऐसा नहीं दिख रहा है कि अपने करियर में करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं करियर में ठीक ठाक कर, अच्छा कर रहे खुश हैं बट आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरे दम पे मेरे इशारों पे नाचे ऐसा नहीं हो सकता जमना है और ज्यादा सीरियस होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में <coughs> ये और सीरियस होते हुए दिख रहे हैं इनका प्यार इनका केयर इनका लव आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है इन द कमिंग फ्यूचर ऑल्सो मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे आपके साथ ट्रैवलिंग प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं एंड दे विल रियली लव यू दे रियली केयर फी यू एंड या दे आर गेटिंग सीरियस फॉर यू इन द फ्यूचर एक्शन या दस टॉक अबाउट योर एनर्जी बियॉन्डन जमुना मैं आपको यहाँ एक चीज बोलूँगी अगर आपको इस आपको ये पर्सन नहीं पसंद है आपको इनके साथ टाइम बताना नहीं पसंद है तो एंड कर दो ब्रेकअप करो मूव ऑन करो ना व्हाट स्टॉपिंग यू एंड कर दो लिटरली आपके लिए गाइडेंस आ है आप एंड कर दो आप कोड भी रहे हो चिड़ भी रहे हो इस पर्सन के साथ भी हो वट इज द डील आप एंड कर दो आप खुद सफर कर रहे हो आप जो सफरिंग कर रहे हो इस पर्सन को भी परेशान कर रहे हो एंड कर दो कनेक्शन बियॉन्ड डिल्यूजन की एनर्जी है डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू जमना इस पर्सन को चेंज करने की कोशिश मत करो अगर है तो एक्सेप्ट करो रिलेशनशिप में रहो नहीं एक्सेप्ट होता तो ब्रेकअप करो मूव ऑन करो दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है आपको ना एक चीज बताऊ जब आपको एक इंसान में सारे गुण का पर्सन नहीं मिलेगा ये बहुत बड़ी सैड है नहीं मुझे ऐसा पर्सन वैसा यू विल नॉट गेट दैट्स हार्ड हार्ड रियालिटी एक ही इंसान में सारे गुण वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा एक ही इंसान आपको जीवन भर खुश नहीं रख सकता है ये सब रियालिटीज पता ही नहीं है लोगों को इल्यूजन डिल्यूजन में जीते हैं लोग या। ये जो इल्यूजन का पर्दा डाल रखा है ना नो आई विल गेट अ परफेक्ट आई विल गेट अ परफेक्ट नो यू नॉट अगर आप खुद भी परफेक्ट हो जाए आपको नहीं मिलने वाला है जम है ये जो माया जाल में मेट्रिक्स में आप रहते हो ना सबसे हटो और ये टैरो एंड जो ऑकल्ट साइंसेस होते हैं वो रियलिटी देने की कोशिश करता है तो मैं लोगों को यहाँ पे इल्यूजन में रखने आई न्यूज चैनल में जेमना है अगर रहना है रहो तमीज से रहो खुशी 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 रहो नहीं खुश हो तो ब्रेकअप करो ये आपके लिए गाइडेंस है एनी वे द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज गुड इज रेसिपिटिविटी मुझे वही लगा इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आई है एंडिफाइड बाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है रिलेशनशिप आने वाले मंथ्स में बहुत स्ट्रॉ होते हुए दिख रहा है इमोशनल कम्पेटिबिलिटी है जो मस्त मौला पर्सन होते हैं ना जो खुश खुद में खुश रखते हैं वो ही दूसरों में खुशियां बांटते हैं ये वैसे नहीं है कि क्रूएल uh, है चुप्पे हैं बात नहीं करते हैं घोस्त करते हैं नो no. ये जो है सो मुंह पे और ये खुशी बांटने वाले लोगों में से और ये आपको हमेशा खुश रखेगा नो मैटर वॉट जेमना फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है मैं आप लोग को यही बोलूंगी जमुना आप थोड़ा प्लीज कॉम्प्रोमाइज करो थोड़ा टाइम दो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करो जमुना ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए बाकी आपकी मर्जी आपको जो करना है करो दिस वॉज योर रीडिंग जमुना एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Video. Bye bye.